अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में पाकिस्तानी फनकारों के कामयाब शो हिबा इंटरटेनमेंट ने साउथ एशियन प्रमोटर को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरस्टार यमुना जैदी और वहाज अली को स्टेज पर देखकर मद्दाह खुशी से झूम उठे। वो इस शो में मद्दाहों के रूबरू हुए, इनके सवालों के बराह रास्त जवाब दिए। हिबा इंटरटेनमेंट की इस काविश पर पाकिस्तानी अमरीकियों ने नासिर सिद्दीकी और इनकी पूरी टीम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि अब पाकिस्तानी सुपरस्टार भी अमेरिका में कामयाब शो कर सकेंगे। रियासत टेक्सस के शहर डेलस में हिबा इंटरटेनमेंट के जेरे तमाम पाकिस्तानी ड्रामा सुपरस्टार यमुना जैदी और वहाज अली का कामयाब और हाउसफुल शो मुनक्किद हुआ। इस शो की मेज़बानी मारूफ फनकार नासिर ने की, जबकि उभरते हुए फनकार पाकिस्तानी गुलकार राफे इसरार और नताशा बेग ने अपनी मौसीकी के आवाज़ का जादू जगाया और इस शो को गरमाए रखा। शायकीन शो के दौरान झूमते रहे। यमुना जैदी का इस मौके पर कहना था कि वो तमाम हाजरीन का शो में आमद पर बेहद शुक्रिया अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका पहुँच कर जो प्यार और मोहब्बत हमें मिला वो नाकाबिले फरामोश है। वहाज अली ने कहा कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हमारा फख्र है। शो को कामयाब बनाकर कम्युनिटी ने साबित कर दिया है कि वो अपने फनकारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका आने पर और शो में जिस अंदाज से इनका पुरतपाक और इनका इस्तकबाल और खैर मकदम किया गया वो नाकाबिले फरामोश है, जिस पर वो सबके शुक्रगुजार हैं। जितना अच्छा आपका क्राफ्ट होता है उतना ही आसान हो जाता है आपके लिए आगे अपना सफर किसी भी तरह में। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पर होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए उनका क्राफ्ट होना चाहिए, कोई भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर दोनों फनकारों ने अपने अपने कामयाबी के सफ़र से हाजरीन को आगाह किया और साथ ही शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर हिबा इंटरटेनमेंट के रूह रवा नासिर सिद्दीकी ने कहा कि ये साउथ एशियन कम्युनिटी की बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी की मोहब्बत है कि वो हिबा इंटरटेनमेंट पर एतमाद करते हैं और हमारे हर शो को कामयाब बनाते हैं, जिस पर वो पूरी कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर अमेरिका के मारूफ प्रमोटर रेहान सिद्दीकी ने कहा कि कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तानी प्रमोटर्स पर एतमाद काबिले सताइश है। यही एतमाद हम प्रमोटर को बेहतरीन शो मुनक्कद कराने के लिए एनर्जी फराहम करता है। हमें बिला तफरीक अपने इंटरटेनमेंट प्रमोटर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। So they did it, और इनका साथ आप लोग एक ही तरीके से दे सकते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें, इनको प्रमोट करें ताकि दे कैन प्रमोट द कंट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम सब एक हैं। बट वी वांट टू मेक श्योर दैट वी प्रमोट थ्रू देयर बैनर एज मच एज कल्चर, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एज पॉसिबल। सो कॉन्ग्रेस टू डैलस, टू ह्यूस्टन, टू न्यू जर्सी, टू शिकागो, टू वॉशिंगटन डीसी, ऑल दीज सिटीज। तो नॉर्मली जब ये शोज आते हैं तो जो डैलस के प्रमोटर्स होते हैं वो डैलस के प्रमोटर्स होते हैं, बट यू शुड फील वेरी प्राउड दैट यू हैव अ नेशनल प्रमोटर। कबल अजी हिबा इंटरटेनमेंट के तर्जुमान कमाल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नासिर सिद्दीकी की हमेशा कोशिश रही है कि अमरीका में साउथ एशियन कम्युनिटी को बेहतरीन शो के जरिए तफरी के मौके फराहम किए जाएं। भारत के फनकार तो अमरीका शो के लिए आते ही रहते हैं, लेकिन हिबा इंटरटेनमेंट ने अब पाकिस्तानी सुपरस्टार के साथ भी बड़े शोज करने का फैसला किया है। यमुना जैदी और वहाज के ह्यूस्टन, डैलस, शिकागो और न्यूजर्सी में कामयाब शो किए जा रहे हैं, जिन्हें कम्युनिटी ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो पाकिस्तानी स्टार को भी अपने बीच देखना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट, सो टुडे इज द वहाज एंड यमुना इज हियर, सो हिबा इंटरटेनमेंट नासिर सिद्दीकी, वो हमारे लिए इतना बड़ा शो लेके आए हैं और ये सिर्फ डैलस नहीं है, कल हमारा ह्यूस्टन में भी हाउसफुल शो था, आज डैलस में भी हाउसफुल शो है, नेक्स्ट हमारा शिकागो है
और उसके बाद हमारा न्यू जर्सी है, वाशिंगटन है। तो जैसे कि एज यूजुअल हिबा एंटरटेनमेंट नासिर सिद्दीकी जो है हमारे साउथ एशिया के बड़े बड़े सिंगर्स और एक्टर्स और सारे शोज लेके आते हैं, इसी तरीके से ये भी उनमें से एक बहुत बड़ा शो है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्ट के लोगों का जिन्होंने आज आके जो है हाउसफुल करके जो है हिबा को जो है एक बहुत बड़ी हम लोगों को इज्जत बख्शी है। तो बहुत शुक्रिया डैलस और शुक्रिया हिबा एंटरटेनमेंट नासिर सिद्दीकी। कैमरा टीम के हमरा राजा जायद अख्तर खान ज़ादा, जागो टाइम न्यूज़, डैलस टेक्सास, अमेरिका। शहबाज कलंदर ओ लाल मेरी वो जो था मेरे ही पास हुआ दूर क्यों मगरूर क्यों पलकों पे है ये नवीसी क्यों वो जो था जो था मेरे ही पास हुआ दूर क्यों मगरूर क्यों पलकों पे है ये नमी सी क्यों है भरी जवानी लोग मिले दो शक्लों वाले लोग मिले शहर वफा में लूट मची लिपटे वफा में लोग मिले लगता है हम पे गम ये फर्ज है दर्द है देते जो हम दर्द है लेके वफाए मुड़ के न देखे ये दिल के धड़े दिल